हेलो गाइस, नमस्ते। मैं रुचि स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुचि टैलेंट टिप्स में। तो गाइस, जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियो लेके आती हूँ जो कि हमारी स्किन से रिलेटेड होते हैं, हमारे हेयर केयर से रिलेटेड होते हैं, हमारे मेकअप से रिलेटेड होते हैं, तो आज का वीडियो जो मैं लेके आई हूँ वो प्रोडक्ट रिव्यू है और वो प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। तो उसको मैंने पहले यूज किया, यूज करने के बाद जब उसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और देखिए, साथ मैं जो रिव्यू लेके आई हूँ वो है एक शैम्पू का रिव्यू। और ये शैम्पू आप समझ ही गए होंगे कि बायोटेक का है, जो कि एडवांस्ड आयुर्वेदा सोया प्रोटीन फ्रेश नरिशिंग शैम्पू है। और गाइस, अगर आपके ड्राई हेयर हैं, डैमेज हेयर हैं और आप कलर ट्रीटमेंट लेते हो तो उसके लिए ये बहुत शैम्पू यूजफुल होगा, बहुत अच्छे से काम कर। तो गाइस, इस शैम्पू की खासियत ये है कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हैं और साथ ही साथ आप कोई ट्रीटमेंट लेते हो जो कि केमिकल से रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग, तो ये बहुत अच्छे से आपके बालों पे काम करेगा, आपके बालों के नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो आप अगर ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो तो आपके लिए आई होप कि ये शैम्पू बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपके ड्राई हेयर हैं तो उनपे भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था और इसकी मैं एक बॉटल लगा चुकी हूँ और ये दूसरी भी आप देख रहे होंगे, ये यहाँ तक बची है और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं तो उसपे भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा और प्राइस वाइज काफी चीप रेट में है, 159 का है, जो कि आपको अमेजोन पर और भी चीप रेट में मिल जाएगा। ये दो के कम्बो में अमेजोन आपको प्रोवाइड करेगा और ये काफी ज्यादा डिस्काउंट पे आपको मिलेगा। तेल और राई का तेल, सोया पाउडर और इसमें हल्दी है और प्यूरिफाइड वाटर है। तो आप जानते ही हो कि बादाम का तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि विटामिन ई का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है बादाम, और बादाम का तेल इसमें है तो वो हमारे बालों को ड्राई और डैमेज होने से बचाता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा शाइनिंग लाएगा और बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। और फिर आता है राई, राई मतलब कि सरसों, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल तो आपने सुना ही होगा, हमारे जो हमारी दादी और नानी थी वो राई का तेल ही यूज करती थी और उनके बाल कितने ज्यादा लंबे और कितने अच्छे होते थे। तो जो सरसों का तेल होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस। सरसों के तेल से अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं, तो ये सरसों का तेल बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करता है और उनको अच्छे बनाने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सोया पाउडर है, तो सोया भी विटामिन ई का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और जो बाल हमारे ट्रीटेड होते हैं, जैसे कि आप कलर करते हो बालों में, तो बाल कलर का जो केमिकल होता है वो बालों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। रिबॉन्डिंग करते हो, रिबॉन्डिंग में बहुत सारे जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो बालों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, और अगर आप स्मूथनिंग कराते हो तो वो भी बालों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इससे बाल दो मुहे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। तो सोया पाउडर बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करेगा, अच्छा बनाने में, और सिल्की बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, और जो दो मुहे हो जाते हैं वो प्रॉब्लम भी बहुत हद तक कम करेगा। गाइस, इसमें ये हल्दी, तो हल्दी जो बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, ये बालों और फेस के लिए भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बालों के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि गाइस हल्दी में एंटी फंगल गुण होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वेल फ्रेंडली भी है और पैकेजिंग इसकी बहुत ज्यादा क्यूट है, और आप देख सकते हो ये बहुत इजीली खुलेगा नहीं क्योंकि बहुत अच्छे से बंद होता है। तो अगर आप इसके साथ ट्रेवल कर रहे हो तो ये ट्रेवल फ्रेंडली है और ये बहुत अच्छे से आपके साथ, आप इसको बैग में लेके कहीं भी आ जा सकते हो, ये ना ही खुलेगा और ना ही इसमें गिरने का डर होता है। तो गाइज, इसका मैं टेक्स्चर दिखा देती हूँ आपको कि कैसे इसका टेक्स्चर है। आप देख सकते हो ये क्रीमी है, बहुत ज्यादा क्रीम बेस है इसका, देख सकते हो। इस पर
पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद आया। हाँ इसमें कुछ अगर आप चाहो तो उनको कमी बोल सकते हो या फिर कमी नहीं भी है, क्योंकि अगर आप सोचो कि इसमें मिल्क है, सोया प्रोटीन है, तो हम ना यूज करें कंडीशनर और सीरम तो गाइस ये फिर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये अपना शायद ना दिखा पाए, जो इसके अच्छे गुण हैं वो शायद ना दिखा पाए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इसके साथ सीरम और कंडीशनर भी यूज कर सकते हो। सीरम आप यूज करो या फिर स्किप कर दो, लेकिन अगर आप कंडीशनर यूज करते हो इसके साथ और बायोटिक का ही कंडीशनर यूज करते हो तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके बालों के लिए। तो गाइज मुझे इसकी बस यही एक कमी नजर आई और बाकी तो मुझे इसकी कोई कमी नहीं नजर आई, मुझे इसमें बहुत सारी अच्छाइयां नजर आई हैं। तो अगर आप चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब अगर आप चाहोगे कि मैं, तो गाइज ऑफ कोर्स मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग इसको यूज कर सकते हो, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। तो अगर आप चाहो तो आप यूज करके एक बार इसको देख सकते हो। और गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगा होगा आपको। तो अगर आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइज इस वीडियो को प्लीज आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ भी शेयर कर दो जिससे कि ये सारे प्रॉफिट उनको भी मिल सके। और फिर से मिलूंगी एक ऐसे ही बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।